रहे हैं जय भारत, मैं हूँ विनीता मिश्रा। कोरोना संकट के बीच देश लॉकडाउन है और लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के वापस अपने राज्य आने का सिलसिला जारी है। हालांकि लॉकडाउन का ये चौथा फेज है और लगभग 2 महीने से कई ऐसे मजदूर, कई ऐसे प्रवासी लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जो भूखे रहने पर मजबूर हैं। और ऐसे में उन प्रवासी मजदूरों को, उन गरीब लोगों को, उन असहाय लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं आरजेडी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कैमूर में कर्मनाशा बॉर्डर के पास आरजेडी की तरफ से गरीब और असहाय और प्रवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये कैमूर की तस्वीर है जहां आरजेडी की तरफ से उन लोगों को भोजन कराया जा रहा है जिनके पास 2 वक्त का भोजन फिलहाल नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से ये तमाम लोग जो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ये कमाएंगे तभी खाएंगे। और तमाम ये प्रवासी लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं, इनको भोजन तक नहीं मिल पा रहा और उन असहाय लोगों को मदद आरजेडी की तरफ से की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन यहाँ आकर भोजन लेते हैं और जिन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा, वो भर पेट खाना खाकर चैन की नींद सो रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।